Good morning, students. Today I am going to teach you second chapter of your supplementary book, Children at Work. Many times we have seen many children working at different places, some collecting rags and some children polishing the shoes on the streets. Likewise, we have seen many children working differently, but what is the reason behind their working? So this story is related to children who work due to different reasons. Okay, so let's read. Before you read, there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. बच्चों को different कारणों की वजह से काम करना पड़ता है. कुछ जो हैं वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए काम करते हैं. कुछ अपने unhappy homes, that means घर पे वो खुश नहीं होते हैं किसी reason से, तब वो अपने घर से भाग जाते हैं. तो उन्हें खुद को ज़िंदा रखने के लिए पैसे चाहिए, खाना चाहिए, इसके लिए काम करते हैं. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, जिन चिल्ड्रंस को काम करना पड़ता है, जिन बच्चों को काम करना पड़ता है, वो अदर चिल्ड्रन की तरह ना तो खेल सकते हैं ना ही स्कूल जा सकते हैं. वेल्लू, एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम. वेल्लू, एक 11 साल का लड़का अपने घर से भाग जाता है. ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. और वो घंटों तक भटकता रहता है चेन्नई जाने वाली ट्रेन पे चढ़ने से पहले, और वो बिना टिकट के चढ़ता है. टायर्ड एंड हंग्री, ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम. वो बहुत ही थका हुआ था, भूखा था, उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, और तभी कोई स्टेशन पे आवाज़ लगाता है वेलकम. व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल. पुल्ड इन मीन्स पहुँचना या आई. तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर आई, इट टुक वेल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ. और वेल्यू को कुछ ही देर लगी ट्रेन से नीचे उतरने में. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन प्लेटफॉर्म, हिज लेग्स फेल्ट वॉबली एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन मूविंग ट्रेन. और जब वो स्टेशन पर उतर के खड़ा हुआ तो उसके पैर जो हैं कांप रहे थे, और उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो चलती हुई ट्रेन पे है. तो जिन बच्चों ने ट्रेन पे सफ़र किया है वो इसको रिलेट कर पाएंगे कि जब हम ट्रेन पे बैठे रहते हैं, कुछ आवर्स की जर्नी करते हैं, उसके बाद जब हम स्टेशन पे उतरते हैं तो हमारे पैर जो हैं कांप रहे होते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ हिल रहा है. तो सेम वही सिचुएशन वेल्यू के साथ थी. उसे अभी भी लग रहा था कि वो ट्रेन पे है. ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. और तभी उसको एक पीछे से आवाज़ होती है, ओए, है ना, और क्या कहता है, रास्ते से हटो. और एक कचरा कलेक्ट करने वाला अपनी लोडेड ट्रॉली लेकर के जा रहा था. वेल्यू जंप असाइड, वेल्यू जो है एक तरफ जंप करके हट जाता है. ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. और वो बेंच के ऊपर बैठ जाता है, प्लेटफॉर्म पे जो बेंच बनी होती है उसके ऊपर बैठ जाता है और अपना छोटा सा बंडल नीचे रखता है. इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल. और उसने अपनी ज़िंदगी के 11 साल में कभी भी इतने ढेर सारे पीपल नहीं देखे थे, लोग नहीं देखे थे. एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. सिवाय कब कि साल में एक बार वो इतने ढेर सारे लोगों को देखता था. कहाँ पे? गांव के मेले में. फेयर मीन्स मेला. तो गांव के मेले में वो इतने ढेर सारे लोगों को देखता था. पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस. और लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे, उससे टकराते हुए अपने सूटकेसेस के साथ. अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. और एक आवाज़
लाउड स्पीकर पे कुछ अनाउंसमेंट कर रही थी. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, और उसके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल कहाँ पे बैठे हुए थे, सेट ऑन विद देयर लगेज, अपने लगेज के साथ बैठे हुए थे. लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और टीवी की तरफ देख रहे थे जो कि छत से लटकी हुई थी. द नॉइज वॉज टेरेबल, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था. वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वैल्यू ने अपना सर अपने घुटनों पे रखा. फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, और वो बहुत ही ख़राब फील कर रहा था, दुखी फील कर रहा था, और वो बहुत ही थका हुआ था. एग्जॉस्टेड दैट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा था. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, और वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागा है. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जगेरी, और उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है सिवाय कुछ पीनट्स के, दैट इज़ मूंगफली, कुछ मूंगफली और गुड़ के अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया है. इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट अ टॉल एंड अ कॉम, और वो अपने बंडल में क्या लेके आया था, एक शर्ट, एक टॉवल और एक कंघी. ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानपुर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और वो फर्स्ट डे जो है, सॉरी नॉट कानपुर, इट इज़ कन्नूर. सो फर्स्ट डे वो कहाँ गया, कन्नूर गया, एंड वहाँ से उसने टिकट ट्रेन ली कहाँ के लिए, चेन्नई के लिए. वैल्यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडेंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट. वैल्यू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन लकीली क्या हुआ, वो लकी था कि वो टिकट कलेक्टर जो है वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं गया. ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने कोशिश की कि वो ट्रेन के फर्श पे सो जाए दरवाजे के पास. अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, और कुछ आदमियों का जो ग्रुप था वो क्या कर रहे थे, उसके बगल में बैठ के कार्ड्स खेल रहे थे और पूरी रात शोर मचाते रहे. ए व्हाट न्यू टू टाउन है, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. तभी एक रफ वॉइस आती है जिससे आवाज़ आती है, ए व्हाट न्यू टू टाउन है कॉल्ड, एक रफ सी आवाज़ में उसको इस तरह की आवाज़ आती है. वैल्यू ओपन्ड हिज आई, वैल्यू जो है अपनी आंखें खोलता है. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड हिम बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन उसे कोई भी नहीं देख रहा था. हियर ए, फिर दोबारा से उसे आवाज़ आती है, यहाँ इधर ए. ही टर्न अराउंड, बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, और वो पीछे मुड़ता है और उसे क्या दिखता है कि उसके पीछे एक गर्ल है जो कि उसके एज की है. वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट कम डाउन टू हर नीज, और उसने क्या पहना हुआ है, बनियान पहना हुआ है लॉन्ग जो कि उसके घुटने तक आती है. हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके बाल जो थे वो उलझे हुए थे, ब्राउन कलर के थे, और उसके कंधे पे एक बड़ा सा झोला था. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम, और वो क्या कर रही थी कि प्लास्टिक कप्स को फ्लोर पर से उठा रही थी और अपने उस सैक में, झोले में डाल रही थी. इंटू हर सैक, वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वैल्यू एंड वाई इज गर्ल वियरिंग अ बनियान, और वो सोचता है कि ये मुझे क्यों बुला रही है और इसने, ये एक लड़की है फिर इसने बनियान क्यों पहनी हुई है. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली व्हाट्स योर नेम, फिर लड़की क्या बोलती है कि बेवकूफों की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है. वैल्यू मटर्ड वैल्यू लुकिंग अवे, वैल्यू जो है दूसरे तरफ देखते हुए धीरे से बोलता है वैल्यू. सो मिस्टर वैल्यू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम, तो लड़की फिर पूछती है, तो मिस्टर वैल्यू आप
उसके बंडल की तरफ देखती है और कहती है कि तुम घर से भागे हो. वैल्यू डिडंट आंसर. वैल्यू कोई आंसर नहीं देता है. ही डिडंट वॉन्ट टू टेल समवन स्ट्रेंज गर्ल सॉरी ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन. और वो किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है. ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे. और वो क्यों भागा था अपने घर से, क्योंकि वो अपने फादर की पिटाई को एक और दिन के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था. हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक. और उसके फादर क्या करते थे, सारा पैसा वैल्यू और उसकी सिस्टर से छीन लेते थे जो कि वो कमाते थे और उसको शराब पीने में खर्च कर देते थे. डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रेन लाइक यू. सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच. वो कहती है कि ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है, ये जगह इस तुम्हारे जैसे या इस तरह के बच्चों से भरी हुई है और तुम क्या करने वाले हो, अमीर बनना है. शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम. और वो उसके बगल में बैठ जाती है. वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली. वैल्यू थोड़ा सा किनारे हट जाता है. ही फेल्ट हंगरी पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेक. हंगरी आस्क द गर्ल यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस. आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट. तो वो कहती है, अब उसको वैल्यू को जो है भूख लगती है और वो अपने पेट को दबाता है और गर्ल क्या कहती है कि तुम्हें यहाँ बैठे रहने से खाना नहीं मिलेगा और ना तो इस तरह से चुपचाप बैठे रहने से खाना भी नहीं मिलेगा और इस तरह से मुंह बनाने से भी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ. शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे. और वो अपना झोला उठाती है और चलने लगती है. वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच. वैल्यू जो है बेंच के ऊपर खड़ा हो जाता है. वॉट शुड ही डू, वॉट शुड ही डू, शुड ही फॉलो दिस गर्ल. अब वो अपने बेंच के ऊपर खड़ा हो जाता है, सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या उस लड़की को फॉलो करूँ. वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम. और वो कहाँ उसे ले जाएगी. शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड. और वो भीड़ में खो रही थी. सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली. और इसलिए उसको जल्दी से डिसीजन लेना था. ऑल राइट ही डिसाइडेड, एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो. और फिर वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास कोई जाने के लिए कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं नेक्स्ट कहाँ जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा. ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर. और वो डिसाइड करता है उस लड़की को फॉलो करने का और वो कूद करके वहाँ से उसके पीछे भागने लगता है. शी वॉजेंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज. और वो पीछे देख भी नहीं रही थी कि वो कहाँ है. ओके, सो कॉम्प्रिहेंशन चेक. वैल्यू स्टूड, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कॉम्प्रिहेंशन चेक एंड आफ्टर आई विल कम्प्लीट द स्टोरी आई विल गिव यू दिस इन रिटर्न. ओके, सो वैल्यू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. वाई? वेल, बिकॉज ही वॉज वैल्यू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन बिकॉज ही हैड अ लॉन्ग जर्नी एंड ऑफन इट टेक टाइम टू गेट एडजस्टेड आफ्टर गेटिंग ऑफ फ्रॉम ट्रेन. वॉट मेड हिम फील मिजरेबल. ही वॉज अलोन, ही वॉज हंग्री, ही वॉज एग्जॉस्टेड, दैट मेड हिम फील miserable. Well, you traveled without a ticket. Why? Well, you traveled without a ticket because he do not have money to buy ticket. How did he escape the ticket collector's attention? Luckily, the ticket collector do not came into the unreserved compartment, so he escaped. Why had value run away from his from home? Because his father used to beat him and snatch all the money and use it in drinking. Why did he decided to follow the strange girl? Because he had no plan for his future or coming days. So he decided to follow the girl. Okay. So
We will cover up the remaining portion in next video and I will provide you the written answer of this comprehension check. Thank you and have a good day. If you do have any problem in understanding the story, you can call or you can message me and ask.